रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, ये बात लगभग पक्की हो गई है। रोहित ने 22 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रहे इस टेस्ट से बाहर बैठने का फैसला किया है। 37 साल के रोहित हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले रोहित टीम से जुड़ जाएंगे। इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि रोहित पर्थ का पहला टेस्ट मिस करेंगे, इसलिए टीम के वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह इस मैच में कप्तानी संभालेंगे। इसके साथ ही तय हो गया कि रोहित पूर्व बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली की सलाह नहीं मानेंगे। दरअसल गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो रोहित की जगह होते तो तुरंत ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते। गांगुली के मुताबिक टीम को रोहित की बहुत जरूरत है, उन्हें पहले टेस्ट के लिए पर्थ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और अब हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि रोहित दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। क्रिकेटपो के मुताबिक रोहित ने पहले ही बीसीसीआई को अपना ट्रैवल प्लान बता दिया है। रोहित दूसरे टेस्ट से पहले होने वाले 2 दिन के पिंक बॉल वार्मअप गेम का भी हिस्सा रहेंगे। ये मैच 30 नवंबर से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ होगा। इस मैच के बाद ही एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। रोहित के साथ इस टेस्ट से शुभमन गिल भी बाहर होंगे। इंटर स्क्वाड मैच के दौरान गिल का अंगूठा टूट गया था। शुक्रवार 15 नवंबर को ही टीम के एक और सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल को भी चोट लग गई थी। प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद राहुल की कोहनी पर लगी। चोट के बाद राहुल मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन अब वो ट्रेनिंग पर लौट आए हैं और बिना किसी समस्या के नेट्स पर बैटिंग कर रहे हैं। बीसीसीआई की एक सोशल मीडिया एक्स पर की गई पोस्ट में टीम के फिजियोज में से एक योगेश परमार ने इस बारे में कहा, रिपोर्टिंग के आधार पर मैं इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो ठीक हो जाएंगे। मामला बस दर्द को कंट्रोल करने और उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस देने का था। मेडिकल पॉइंट से वो पूरी तरह से ठीक है। जबकि राहुल ने अपनी चोट पर कहा, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैंने आज बैटिंग की, पहले गेम के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं खुश था कि मैं यहाँ पहले आ पाया, इससे मुझे हालात से तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा वक्त मिला, मुझे इस सीरीज की तैयारी के लिए बहुत सारा वक्त मिला, मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। कहा जा रहा है कि राहुल पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे। गिल की चोट के चलते टीम मैनेजमेंट ने इंडिया ए स्क्वाड से देवदत्त पडिक्कल को ऑस्ट्रेलिया में ही रुकने के लिए कहा है। साथ ही उनके पास ध्रुव जुरेल का भी ऑप्शन है। जुरेल हाल ही में हुए इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए अनऑफिशियल टेस्ट में भारत के बेस्ट प्लेयर थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहां गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ललन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ, फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर। उसके माथे पर एक चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की तजुर्बों की ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही ललन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए ललन टॉप के सालाना उत्सव में, ललन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।